अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन के अंदर आप स्पेनिश ज़बान के कुछ फ़िक्रे सीखेंगे वजाहत के साथ, यानी हर फ़िक्रे के अंदर तकरीबन एक एक लफ्ज़ का माने भी बताया जाएगा। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। किन आरोतो एस्ता बेंताना, किन आरोतो एस्ता बेंताना, हु ब्रोक दिस विंडो, ये खिड़की किसने तोड़ी। किन का मतलब हु यानी कौन, आरोतो ब्रोक यानी के तोड़ी, किन आरोतो हु ब्रोक किसने तोड़ी, एस्ता का मतलब दिस यानी ये, बेंताना विंडो खिड़की, किन आरोतो एस्ता बेंताना हु ब्रोक दिस विंडो, ये खिड़की किसने तोड़ी। मी हरमानो त्रबाखा एन उन बंको, मी हरमानो त्रबाखा एन उन बंको, माई ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक, मेरा भाई एक बैंक में काम करता है। मी हरमानो माई ब्रदर त्रबाखा वर्क्स काम करता है इन इन में उन बैंको ए बैंक एक बैंक यानी मी हरमानो त्रबाखा माई ब्रदर वर्क्स मेरा भाई काम करता है इन उन बैंको इन ए बैंक एक बैंक में। मी हरमानो त्रबाखा इन उन बैंको माई ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक मेरा भाई एक बैंक में काम करता है। अगला फिक्र है जी, नो से सी दो ब्लार आला इस्केर्दा ओ आला देड़े छा, नो से सी दो ब्लार आला इस्केर्दा ओ आला देड़े छा। आई डोंट नो वेदर टू टर्न लेफ्ट और राइट, मुझे नहीं मालूम बाएं मुड़ें या दाएं। यहाँ पर नो से का मतलब है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो आगे जो सी है ना, इसका मतलब बन रहा है वेदर। दोब्लाड का मतलब होता है टर्न, मतलब मुड़ना, कहाँ जाना है, मतलब सी दोब्लाड वेदर टू टर्न। आ का मतलब है टू, सी दोब्लाड आ वेदर टू टर्न। ला इस्केर्दा मतलब लेफ्ट, ओ या आला देरेचा राइट मतलब टू राइट। तो नो से सी दोब्लाड आ आई डोंट नो वेदर टू टर्न, मुझे नहीं मालूम कहाँ मुड़ना है, यूँ समझिए आला इस्केर्दा बाएं तरफ, ओ या आला देरेचा दाएं तरफ, यूँ समझिए ये फिक्र की डिटेल थी। तो नो से सी दोब्लाड आला इस्केर्दा ओ आला देरेचा, I don't know whether to turn left or right, मुझे नहीं मालूम बाएं मुड़ें या दाएं। Encienda la televisión, por favor. Encienda la televisión, por favor. Please turn on the TV. बराए मेहरबानी टीवी चला दो। Encienda का मतलब turn on, मतलब चला दो। La televisión, TV. पोर फावर का मतलब प्लीज़, बराए मेहरबानी। एनसीएंडा ला टेलीविजन पोर फावर, प्लीज़ टर्न ऑन द टीवी, बराए मेहरबानी टीवी चला दो। तो अगला फिक्र है जी, ते वास आकेदार इन ला कासा, विल यू स्टे एट होम, क्या तुम घर पर रुकोगे या क्या तुम घर पर रहोगे। ते वास आकेदार का मतलब विल यू स्टे, क्या तुम रहोगे या क्या तुम रुकोगे। इन ला कासा एट द होम घर पर, ते वास अकेदार इन ला कासा विल यू स्टे एट द होम, क्या तुम घर पर रुकोगे या क्या तुम घर पर रहोगे। एस्तु तुर्नो दे कांतार, एस्तु तुर्नो दे कांतार, इट्स योर टर्न टू सिंग, अब गाने की तुम्हारी बारी है। एस तू तुरनो का मतलब इट्स योर टर्न, तुम्हारी बारी है
दे कांतार टू सेंग गाने की। ये अब लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं, ये वैसे लगा दिया मैंने फिक्र के अंदर। तो एस तू तुरनो, इट्स योर टर्न दे कांतार टू सेंग गाने की। एस तू तुरनो दे कांतार, इट्स योर टर्न टू सेंग गाने की, तुम्हारी बारी है। आन विविधो एनेस्ता सियुदा दुरंत जीएस अन्योस, आन से पहले आप एजोस लगाएं या ना लगाएं। तो ये जाहिर कर रहा है उनको, मतलब वो जो थे मुजक्कर, अगर एजास लगा होता तो वो औरतों के लिए इस्तेमाल होता। आन विविधो दे हैव लिव्ड, वो मुकीम हैं कहाँ से, दिएस आन्योस, दुरांते दिएस आन्योस, 10 साल से। दुरांते का मतलब होता है से, दिएस 10, आन्योस साल। इन एस्ता सियुदाद इन दिस सिटी, इस शहर में। आन विविधो इन एस्ता सियुदाद दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी, वो इस शहर में मुकीम हैं, दुरांते दिएस आन्योस 10 साल से। आन विविधो इन एस्ता सियुदाद दुरांते दिएस आन्योस, दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, वो इस शहर में 10 साल से मुकीम हैं। अगला फिक्रा जी, नो इम्पोर्टा आदोंदे वायस जोते से गिरे, नो इम्पोर्टा आदोंदे वायस जोते से गिरे, नो मैटर वेयर यू गो आई विल फॉलो यू, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाएंगे, मैं आपके पीछे चलूँगा। नो इम्पोर्टा नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदोंदे वायस तुम कहाँ जाओगे या कहाँ जाते हो, जो ते से गिरे आई विल फॉलो यू, जो का मतलब आई, ते सिगिरे सिगे से गिरे फॉलो यू, जो ते से गिरे आई विल फॉलो यू, मैं आपके पीछे चलूँगा। नो इम्पोर्टा आदोंदे वायस जो ते से गिरे, नो मैटर वेयर यू गो आई विल फॉलो यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाएंगे, मैं आपके पीछे चलूँगा। नो के दावा नादा इन एल रेफ्रिजरेटर, नथिंग रिमेंड इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कुछ नहीं बचा हुआ। नो के दावा नादा का मतलब है नथिंग रिमेंड, कुछ नहीं बचा हुआ। इन एल में यानी कि इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में। तो नो के दावा नादा इन एल रेफ्रिजरेटर, नथिंग रिमेंड इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कुछ नहीं बचा हुआ। अगला फिक्र है जी, देसी दियो इड़से आल एक्सट्रांजेरो, देसी दियो इड़से आल एक्सट्रांजेरो, ही डिसाइडेड टू गो एब्रॉड, उसने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। देसी दियो ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, इड़से टू गो आल एक्सट्रांजेरो एब्रॉड, मतलब बैरून मुल्क को। तो देसी दियो का मतलब हुआ ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया ईड से जाने का, आल एक्सट्रांजेरो बैरून मुल्क, देसी दियो ईड से आल एक्सट्रांजेरो, ही डिसाइडेड टू गो एब्रॉड, उसने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। जो कॉम्प्रे अल्गुनोस ओएवोस ई उन पोको दे लेछे, जो कॉम्प्रे अल्गुनोस ओएवोस ई उन पोको दे लेछे, आई बॉट ए फ्यू एग्स एंड ए लिटल मिल्क, मैंने कुछ अंडे और थोड़ा दूध ख़रीदा। जो कॉम्प्रे आई बाट, मैंने ख़रीदा, अल्गुनोस कुछ, ओएवोस अंडे, ई उन पोको दे लेछे और थोड़ा दूध, लेछे का मतलब दूध यानी मिल्क, उन पोको ए लिटल मतलब थोड़ा। जो कॉम्प्रे अल्गुनोस ओएवोस ई उन पोको दे लेछे, आई बाट ए फ्यू एग्स एंड ए लिटल मिल्क, मैंने कुछ अंडे और थोड़ा दूध खरीदा। ले देस्पोस दे मी, ले देस्पोस दे मी, रीड आफ्टर मी, मेरे बाद पढ़ना, मतलब अगर कोई किताब वगैरह पढ़ रहा है तो कोई अगर उसे किताब लेता है कि मैंने भी पढ़नी है या अखबार पढ़ना है, तो जवाब में वो कहेगा ले देस्पोस दे मी, रीड आफ्टर मी, मेरे बाद पढ़ना, मतलब मैं पहले पढ़ लूँ। ले का मतलब होता है रीड, पढ़ना, देस्पेस आफ्टर बाद में, दे मी मेरे, मेरे बाद। तो अगला फिक्र है, पोर फावर कोहे एल टेलीफोनो,
पुर फावर कोखे एल टेलीफोनो, प्लीज़ आंसर द फ़ोन, बर मेहरबानी फ़ोन उठाओ, या यूँ समझिए बर मेहरबानी फ़ोन का जवाब दो। तो कोखे का असल मतलब होता है उठाओ, मतलब पिकअप, फ़ोन उठाओ यानी फ़ोन का जवाब दो। पुर फावर कोखे प्लीज़ आंसर, बर मेहरबानी उठाओ या जवाब दो, एल टेलीफोनो फ़ोन, फ़ोन का। अगला फिक्र है के पड़े फीडेस लास मानसानस ओ लोस प्लातानोस, के पड़े फीडेस लास मानसानस ओ लोस प्लातानोस, विच डू यू प्रीफर एप्पल्स आर बनानास, आप किस को तरजीह देते हैं सेब या केले, मतलब आपको कौन से ज़्यादा पसंद है सेब या केले, यूँ समझिए। तो के पड़े फीडेस का मतलब तुम किस को तरजीह देते हो, लास मानसानस सेब, ओ का मतलब या, लोस प्लातानोस बनानास केले। एल वोल्वियो दे कोलंबिया इन जूनियो, एल वोल्वियो दे कोलंबिया इन जूनियो, ही रिटर्न्ड फ्रॉम कोलंबिया इन जून, वो कोलंबिया से जून में वापस आया। एल वोल्वियो ही रिटर्न्ड, वो वापस आया दे कोलंबिया फ्रॉम कोलंबिया इन जूनियो, इन जून, जून में। अगला फिक्र है इस तो ही बुस्कांदो ला जावे, इस तो ही बुस्कांदो ला जावे, आई एम लुकिंग फॉर द की, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। इस तो ही बुस्कांदो आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ, ला जावे द की चाबी। सोन लिंदोस दे आर प्रिटी, वो खूबसूरत हैं या वो प्यारे हैं। सोन का मतलब दे आर, वो हैं, लिंदोस प्रिटी, खूबसूरत। तो अगला फिक्र है अका कासी नुंग का जोएबे, अका कासी नुंग का जोएबे, इट आलमोस्ट नेवर रेन्स हेयर, यहाँ तकरीबन कभी बारिश नहीं होती। अका का मतलब है हेयर यानी यहाँ, कासी आलमोस्ट तकरीबन, नुंग का नेवर, नहीं होती जोएबे बारिश। अका कासी नुंग का जोएबे, इट आलमोस्ट नेवर रेन्स हेयर, यहाँ तकरीबन कभी बारिश नहीं होती। तो अगला फिक्र है एस्तु बीस्ते इनका सा अनोचे, एस्तु बीस्ते इनका सा अनोचे, वर यू एट होम लास्ट नाइट, क्या पिछली रात तुम घर पर थे, एस्तु बीस्ते वर यू तुम थे, इनका सा एट द होम घर पर, अनोचे लास्ट नाइट पिछली रात। तो उम्मीद है कि ये फिक्र आपको पसंद भी आए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। अगर कोई इनमें डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और स्नैक वीडियो पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर शॉर्ट लेसन अपलोड किए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।